Assalamu alaikum students, I am your teacher Ms. Zuhar Tabassum. Dear students, today I teach you chapter number 3, the noun. Okay students, so let's start. What is noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. The noun, ek person, jagah, yani ek kisi insaan, kisi jagah, kisi janwar ya kisi cheez ke naam ko kehte hain. Ab yahan pe kya bataya ja raha hai? Kinds of nouns. Noun naming word hota hai, noun kisi bhi cheez ke naam ko noun kehte hain. काइंड्स ऑफ नाउन, यहाँ पे नाउन के काइंड्स बताए जा रहे हैं. नाउन कितने तरह के होते हैं. नंबर वन, प्रॉपर नाउन. इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग आर एन एनिमल. एग्जाम्पल्स, न्यू डेली, द गंगा, मार्च, राइनो एक्सेट्रा. अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. किसी खास, मान लीजिए किसी खास जानवर, किसी जगह का जो पर्टिकुलर नेम होता है, ये खास नेम होता है. अगर जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली सबका नेम तो नहीं है ना, सारे सिटी का नेम तो न्यू दिल्ली नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया. अगर सिर्फ सिटी होता तो कॉमन नाउन होता. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. रिवर, हर रिवर का नेम तो गंगा नहीं होगा ना, तो अगर गंगा आ गया तो ये क्या, ये पर्टिकुलर रिवर का नेम है, ये पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया. मंथ ले लीजिए, मंथ अगर आए तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन पर्टिकुलर मंथ का नेम आ जाए, किसी का, किसी मंथ का पर्टिकुलर नेम आ जाए, जैसे यहाँ पे मार्च है या सितंबर हो, अगस्त हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो पर्टिकुलर नेम है. राइनो, राइनो किसी चीज़ का नेम हो गया, किसी चीज़ का भी नाम हो गया, हो सकता है किसी इंसान का हो, या हो सकता है कोई अपने पेट का रखा हो, तो कोई अपने पालतू जानवर का नेम रखा हो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन है. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन किसी भी कॉमन नेम को कहते हैं, जो कॉमनली हर पर्सन, किसी हर पर्सन, हर एनिमल या हर प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल बॉय, सारे बॉय को बॉय कहते हैं, लेकिन अगर उनका एक पर्टिकुलर नेम तो हो गई ना, जैसे हम टीचर हैं, टीचर कहा जाए तो कॉमन नाउन कहलाएगा, लेकिन अगर मेरा नेम आ जाए, किसी टीचर का नेम आ जाए, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा. गर्ल है, सारे गर्ल को गर्ल कहते हैं, तो ये क्या है, कॉमन नाउन. कार, ये क्या हो गया, ये भी कॉमन नाउन. मंथ, कॉमन नाउन. सिटी, कॉमन नाउन. रिवर, कॉमन नाउन. हिल, कॉमन नाउन. एट्सेट्रा, यानी सारे जो कॉमन नेम होते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं, लेकिन किसी चीज़ का जो पर्टिकुलर नेम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लीजिए. हियर सम एग्जांपल्स. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. ठीक, यहाँ पे ये सारे कॉमन नाउन है, ये सारे प्रॉपर नाउन. सबसे पहले आया है स्कूल. सारे स्कूल को स्कूल ही बोलते हैं, लेकिन हमारे स्कूल का नेम क्या है, कि या किसी भी स्कूल का नेम जो होगा पर्टिकुलर नेम, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. फॉर एग्जांपल जियाउद्दीन खान मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि सारे स्कूल का नेम तो ये नहीं है ना, ये पर्टिकुलर स्कूल का नेम है, पर्टिकुलर नेम है ये, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. सिटी, सारे सिटी को सिटी कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन है, सारे शहर को शहर ही कहते हैं, लेकिन उनका जो पर्टिकुलर नेम आ जाए, फॉर एग्जांपल मुंबई आ गया या न्यू दिल्ली आ गया, कोई भी शहर का नेम हो गया, आगरा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. रिवर, रिवर क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि सारे रिवर को रिवर ही कहते हैं, लेकिन अगर उनका कोई नेम हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द गंगा लिखा है, गंगा है या यमुना है या एक्सेट्रा, बहुत सारे रिवर के नेम आ गए, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर सिर्फ रिवर हो तो वो कॉमन नाउन. मंथ, हर मंथ को हम मंथ कहते हैं, लेकिन अगर उसको कोई पर्टिकुलर नेम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सेप्टेम्बर आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. किटन, किटन कैट के बेबी को कहते हैं, तो उसे कैट के बेबी को किटन ही कहते, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने उसे पाल लिया या उसे, उसका नेम अपने तरफ से कुछ रख लिया, यहाँ पे जैसे किटी लिखा हुआ है, आपने किटी रख लिया या कुछ और नेम रख लिया, तो वो उसे अलग कर देगा ना. सारे किटन का नेम किटी तो नहीं हो सकता ना, या जो आपने रखा है वो तो नहीं हो सकता ना, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. गर्ल, गर्ल सारे गर्ल को गर्ल कहते हैं, लेकिन अगर किसी, हर गर्ल का अलग नेम होता है, यहाँ पे मैंने रूबी लिखा हुआ है, किसी का भी गर्ल देख लीजिए, किसी का भी नेम ले लीजिए, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. बॉय, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, लेकिन अगर उसका नेम आ जाए तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. अब यहाँ पे टीचर, सारे टीचर को तो टीचर कहेंगे, तो ये क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन अगर किसी टीचर का नेम आ जाए, फॉर एग्जांपल ये मेरा नेम है मिज़ा, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन. स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन कोई अगर नेम आ जाए, यहाँ पे जैसे नेम है अली का आया है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन. समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यानी कॉमन नाउन जो कॉमनली सबके लिए यूज होता है, और प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर नेम होता है किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी जगह का, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन.
इसी तरह से मोबाइल फोन्स हो गए, सारे स्मार्टफोन्स तो होते हैं लेकिन सबकी कंपनी अलग अलग होती है, कोई शाओमी या रेडमी का होता है, कोई नोकिया का होता है। तो ये क्या हो गया, ये सारे प्रॉपर नाउन में आ गए, रेडमी है या ये नोकिया है, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन आ गया, स्मार्टफोन, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब इस तो नाम से जाहिर हो रहा है, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, चेयर, पेन, डेस्क, यानी हम तो बॉयज को गिन सकते हैं, चेयर को भी गिन सकते हैं, पेन को भी गिन सकते हैं, डेस्क है उसको भी गिन सकते हैं, बेडशीट है उसको भी गिन सकते हैं, बुक्स है उसको भी गिन लेंगे। तो ये सारे क्या हो गए, काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल, टी, चाय, शुगर, चीनी, मिल्क, दूध, साल्ट, नमक, और इसी तरह से वाटर, उसको भी हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गए, अनकाउंटेबल, यानी जिस नाउन्स, जो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल। जैसे स्टार्स है तो हम गिन नहीं पाएंगे ना, ये तो क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून विद सम न्यू वीडियोस। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।